पर आई थिंक सो सच इज डेस्टिनी कि इससे खूबसूरत इवेंट हो ही नहीं सकता था आने के लिए. और जहाँ तक शीरोज की बात है तो मैं शीरोज लखनऊ एक बार गई थी और एक बार आगरा गई थी और इतना ओवरवेल्म्ड मैंने कभी फील किया ही नहीं. मतलब सबसे लोग बड़ी बातें और हैवी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं पर मेरी ना नज़र छोटी बातों पर पड़ जाती है. तो मैं शीरोज लखनऊ गई और मैं अंदर गई तो मैंने देखा ऐसे लाइब्रेरी वहाँ पे है, वहाँ बुक्स रखी हुई थी और दीवारों पे कोट्स, बहुत ही प्यारे कोट्स लिखे हुए थे और उसके बीच में एक फेरी टेल की बुक रखी हुई और इतना सुंदर लगा मुझे वो. हाँ, वो इन्वायरमेंट इतना सुंदर था, इतना पॉजिटिव था दैट देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू गो टू शीरोज आगरा एज वेल एंड द एक्सपीरियंस वॉज द सेम दैट. सो आई थिंक इतना ब्यूटिफुल है. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द वेमेन इन शीरोज. आई थिंक दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो पॉजिटिव एंड दे आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग. सो कुछ कुछ लिख के लाई हूँ उन लोगों के लिए. तो बात ऐसी होती है कि एसिड अटैक तो बहुत हीनियस क्राइम्स में मान लिया में काउंट होता है पर ये जो हिम्मत है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों से आती है और हर औरत जो इस कमरे में इस टाइम पे है उसे ये बात पता होगी. जब हम बाहर निकलते हैं घर से हम इतने वायर्ड हैं इस चीज़ के लिए कि किसी ने देख लिया तो छोड़ो ना यार, किस किस को बोलेंगे, कब तक बोलेंगे. पर वो हिम्मत बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और जब उस पर चेक नहीं रखा जाता, हाँ, जब उस हिम्मत या उस गुस्ताखी का कॉन्सिक्वेंस नहीं होता तब एसिड अटैक होते हैं. तो हमको उसको स्टार्टिंग में पिन करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से. तो ये एक छोटा सा कुछ लिखा है कि मेरी खाल नोचती कपड़े फाड़ती, मेरी खाल नोचती कपड़े फाड़ती, मुझे जकड़ती सी नज़रें तुम्हारी मंजूर नहीं मुझे. मुझे खाल नोचती कपड़े फाड़ती, मुझे जकड़ती सी नजरें तुम्हारी मंजूर नहीं मुझे. कभी हक है ये तुम्हारा, कभी इश्क है ये तुम्हारा, कभी ये जिल्लत मेरी तुम्हारी मर्दानगी का सबूत है. सो इसी थॉट पे कभी ये मत सोचेगा कि मतलब मैं एंटी मैन हूँ. एंटी मैन नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे आदमी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर मैं वो जो इंटाइटलमेंट है हाँ आदमियों का, जहाँ उनको ये लगता है कि वो कि उन्हें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता या वो कुछ भी कर देंगे एंड दे कैन गेट अवे विद इट, मेरे को उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है. तो उसी मैं जनरली ये बात बहुत बहुत ज़्यादा बोलती कि मैं पोइट्री नहीं लिखती, मैं ख्याल लिखती हूँ. तो वैसे ये एक ख्याल मैं लिख के लाई हूँ कि देखना ज़रा छुप के, बोलना बातें पर ज़रा हौले से. देखना ज़रा छुप के, बोलना बातें पर ज़रा हौले से. छुप के मेरा बदन छू के निकल जाना पर लेकिन छुप के. मेरे अंदर एक 8 साल की बच्ची रहती है, सहम जाती है वो जब ज़्यादा करीब आते हो तुम. पर मैं समझती हूँ कि मजबूर हो तुम. मैं समझती हूँ कि मजबूर हो तुम कि ये ना करोगे तो लोगों को क्या मुंह दिखाओगे, कैसे दोगे खुद को तसल्ली कि मर्द हो तुम, ये हक है तुम्हारा. तो इस बात को डिस करते हुए कि ये हक नहीं है किसी का. मेरी बॉडी, इट्स माय स्पेस एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू इंक्रोच दैट. और मैं ऋतु की बातें सुन रही थी और मेरे को ऋतु की बातें बहुत खूबसूरत लगी. बहुत ज़्यादा प्यारा कॉन्फिडेंस है और बहुत प्यारा बोलती हैं वो. और जब वो बोल रही थी तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि एज अ सर्वाइवर कितना मुश्किल होता होगा कि रोज़ सुबह उठ के आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हो और कोई नहीं भूलने देता होगा. हाँ, चाहे वो आपका शीशा हो या बाहर लोग हो या समाज हो, कोई नहीं भूलने देता होगा. और कितना स्ट्रांग होगा वो इंसान, हाँ, जो अपने आप को रोज़ रीडिस्कवर करता है. तो उस बात पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी राख खुद समेट के बाहर आती हूँ रोज़, बनाती हूँ रोज़ एक नई मैं और रोज़ मेरा जनाजा निकलता है. थैंक यू सो मच.